माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दुबई की वो प्लेसेस जो कि बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, और इनमें बहुत सारी जगहें ऐसी भी है जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दुबई वैसे तो बहुत कॉस्टली सिटी है, बट वहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो बजट फ्रेंडली ऑप्शंस भी हैं। तो आज की वीडियो में वो सारे ऑप्शन जो है कवर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है बुर्ज खलीफा लाइट शो एंड फाउंटेन शो। और बुर्ज खलीफा का तो सबको पता है कि ये मोस्ट आइकॉनिक प्लेस है ऑफ दुबई, और ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग भी है। तो इवनिंग टाइम में यहाँ पे लाइट शो होता है और साथ में फाउंटेन शो होता है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको जो है वो दुबई मॉल के बाहर जो है वो आप ये शो जो है इन्जॉय कर सकते हैं। और ये जो है ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग लगती है पूरी बिल्डिंग, और जो पूरा एम्बियंस है पूरे जैसे म्यूज़िक चल रहा होता है और म्यूज़िक पे सिंग्ड वो फाउंटेन्स चल रहे होते हैं ना, वो जो पूरा एम्बियंस है वो बहुत अच्छा होता है और बहुत मज़ा आता है उसमें। क्योंकि बुर्ज खलीफा जो है वो बिल्कुल दुबई मॉल के साथ में है। तो अगला ऑप्शन हमारे पास है दुबई मॉल। ये जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉल है, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है दो, बट स्टिल यहाँ पे भी बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो अट्रैक्शंस है वो आप देख सकते हैं। जो सबसे पहला है वो है ये वाला वाटरफॉल। ये जो है एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, और यहाँ पे ना इन्होंने एक हार्ट शेप फ्रेम भी बनाई है फोटो बूथ टाइप। उसके अलावा जो है वो आप एक्वेरियम भी जो है बाहर से देख सकते हैं। जो लोग शार्क काउंटर कर रहे होते हैं वो लोग भी हम जो है बाहर से ही देख सकते हैं उन लोगों को भी। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है दुबई फ्रेम, और ये जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेम है, और जिसके अंदर हम जा सकते हैं। और उसके अंदर जो है उन्होंने बहुत अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्प्ले किया है। एक साइड उन्होंने जो अपना ओल्ड आर्किटेक्चर है वो शो किया है, जो ओल्ड दुबई था वो पूरा शो किया है कि कैसा था, लोग वहाँ पे कैसे डील करते थे। उसके बाद जो है जो ऊपर जब जाते हैं हम टॉप पे, तो वहाँ पे वो ग्लास फ्लोर है, तो वो थोड़ा सा आपको एक थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस देने के लिए है। उसके अलावा जो है नीचे जाके फिर से आपको जो है वो दुबई का फ्यूचर जो उन्होंने इमेजिन किया है वो आपको दिखाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और दूसरी बात, यहाँ की जो टिकट है वो काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे आपको मिल जाती है। तो इसका टिकट प्राइस है बेसिकली नॉन प्राइम आवर्स में 50 दिरहम्स, और जिसका जो अगर मैं रुपीज़ में बोलूँ तो 1127 रुपीज़ आएंगे। तो इतना सा इसका एट प्रेजेंट प्राइस है, और ये जो है काफ़ी अच्छा ऑप्शन भी है। इसके अलावा दुबई मिरेकल गार्डन, ये भी काफ़ी बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, येट ये जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस दुबई की अगर मैं कंसीडर करूँ, उनमें से एक जो है वो दुबई मिरेकल गार्डन होगा। और ये एक ऐसी लोकेशन थी ना, जब आप एक बार चले जाओगे आपका मन ही नहीं करेगा वापस आने का कुछ ना कुछ, और आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेश्ड फील होगा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें। ये जो गार्डन है वो 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है, तो आप खुद सोच लो ये कितना अमेजिंग गार्डन होगा। हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, और हर चीज़ बहुत यूनिक थी और बिल्कुल नेचुरल थी। तो यहाँ पे जो है काफ़ी मतलब अच्छा लगेगा अगर आप भी इसको कंसीडर करेंगे, और मुझे तो बहुत मज़ा आया था जब मैं यहाँ गई थी। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ग्लोबल विलेज, और अगर मैं इसकी टिकट प्राइस की बात करूँ तो लगभग 1500 to 2000 रुपीज़ के बीच में जो है इसका टिकट प्राइस रहता है। बाकी आप जाने से पहले इसका टिकट प्राइस चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना मल्टीपल कंट्रीज़ का कल्चर डिस्प्ले किया हुआ है, अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग एरिया अलॉटेड है जहाँ पे उन्होंने अपने कंट्री का कल्चर डिस्प्ले किया है। तो बेसिकली आपको बहुत सारी कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस जो है वो एक जगह पे जाके मिल जाएगा थोड़ा बहुत। और ये जो है वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेसेस जो है मुझे लगी। और इसके अलावा एक और बात ध्यान में रखनी है कि ये जो अट्रैक्शन है अक्टूबर से लेके अप्रैल तक ही ओपन रहती है, बाकी मंथ्स क्लोज रहती है। और इसकी जो टाइमिंग्स है वो इवनिंग में ओपन होता है, अराउंड 4 o'clock ओपन होता था रात को 12 बजे तक। तो चलो अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है डेजर्ट सफारी, और ये एक ऐसा ऑप्शन है ना जो कि मल्टीपल प्राइस रेंजेस में आपको मिल जाएगा। तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी बहुत चीप है बहुत कॉस्टली है, ऐसा नहीं है। जिस रेंज में आप लेना चाहो अपना कैंप उसके अकॉर्डिंग चूज़ करो और आप ले सकते हो।
और ये जो है क्योंकि काफ़ी यूनिक और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। दोपहर को आपको ले जाएंगे वहाँ पे, सैंड पहले क्या होगा, ड्यून बैशिंग होगी, उसके बाद सैंड बोर्डिंग होगी, क्वैड बाइकिंग कर सकते हो आप, कैमल राइड कर सकते हो, कॉस्ट्यूम ट्रायल कर सकते हो, लाइव शोज होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कवर्ड होती हैं। तो ये वर्थ, मतलब जितना टाइम ये लेके जाते हैं तो ये वर्थ एक एक्सपीरियंस लगता है। इसके अलावा आप केलुक यूज़ कर सकते हो, केलुक पे ना काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, बजट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी आपको। और ये भी जैसे अगर आप केलुक से करोगे तो आपको एज़ कम्पेयर टू अदर ऐप्स काफ़ी सस्ता जो है वो मिल जाएगा इसका पैकेज। और जो दुबई के मॉल्स हैं ना वो भी काफ़ी यूनिक हैं, और उनमें से ही एक है इब्न बतूता मॉल। ये जो मॉल है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थीम बेस्ड मॉल है, और यहाँ पे जो है 6 डिफरेंट कंट्रीज़ का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्प्ले किया हुआ है इन लोगों ने। तो जो जितने भी जो आर्किटेक्चर थे सच में बहुत सुंदर थे, और जब मतलब ऐसा था कि यहाँ पे भी ऐसे दिल करता सारे जो आर्किटेक्चर हैं वो देख के जाएँ जो इन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक मॉल लगा मुझे बेसिकली। उसके अलावा इस मॉल में ना ये अंकल जी बैठते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका नाम जो है वो अरेबिक में लिखते हैं। ये बेसिकली कैलीग्राफर है, तो अगर आप इंग्लिश में नाम लिखवाना चाहें तो इंग्लिश में भी आप नाम लिखवा सकते हैं। इसके अलावा वाफी सिटी है जो कि वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और जितने भी मॉल्स हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हैं। वाफी सिटी में तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे मॉल भी है, रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, क्लब्स मिल जाएंगे, और सब कुछ है, हाउसिंग भी है वहाँ पे, तो सब कुछ है। और सारा जो है इजिप्शियन आर्किटेक्चर पे बना हुआ है सारा। तो ये काफ़ी एक यूनिक एरिया था जहाँ पे बेसिकली उन्होंने इजिप्शियन आर्किटेक्चर को प्रमोट किया हुआ है। दुबई में मॉल्स के अलावा बीचेस भी बहुत अच्छे हैं। तो अगला ऑप्शन है लामेयर बीच, और ये जो है एक ब्लू वाटर बीच है। ये क्या मतलब जितने भी दुबई में बीचेस हैं सारे ब्लू वाटर बीचेस थे। और यहाँ की क्या डिफरेंट है, यहाँ पे जो इन्होंने बेसिकली बीच का एम्बियंस है ना वो काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने, बिल्कुल लाइट्स वगैरह इवनिंग टाइम में काफ़ी सुंदर लगता होगा, लाइट्स वगैरह लगी हैं प्रॉपर, और काफ़ी एक डिफरेंट यूनिक सा इनका जो आर्किटेक्चर था वो भी काफ़ी यूनिक सा था, बड़ा ऐसे एस्थेटिक सी वाइब्स आ रही थी यहाँ से। और इसके अलावा जो है वो है मरीना बीच, जो कि बहुत ज़्यादा पॉश एरिया में बीच है। वहाँ पे अगर आप जाएंगे बहुत सारी आपको गाड़ियाँ जो है देखने को मिलेंगी अच्छी अच्छी इसके अलावा, क्योंकि ये बीच की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से जो है एन दुबई आपको बिल्कुल सामने देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी जो है इवनिंग में काफ़ी अच्छा एम्बियंस होता है। और इसके अलावा जेबल अली बीच भी आप जा सकते हैं, और ये जो है ये आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स बाली वाइब्स, और ये जितने भी बीचेस हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आप विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे काइट बीच है जहाँ पे आपको बहुत सारी काइट्स देखने को मिल जाएंगी। तो ये थे सारे बीचेस। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिवरलैंड, और रिवरलैंड दुबई जो है वो बेसिकली फ्रेंच आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे सच में मतलब दुबई में बिल्कुल स्काई स्कैपर्स और ये सब हैं। तो ये जो एरिया है ना यहाँ पे बिल्कुल फ्रेंच आर्किटेक्चर और डिफरेंट एक आर्किटेक्चर देखने को मिला, बट ये जो है सिटी से काफ़ी दूर है, लाइक सिटी में ही है बट एक सिटी के एक एंड पे है। तो अगर आपके पास टाइम क्रंच है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे आर्किटेक्चर के अलावा जो है वो और भी एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि बॉलीवुड था एक जहाँ पे बॉलीवुड परफॉर्मेंसेस वगैरह चल रही थी, और उसके अलावा एक मोशन गेट था जहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे था वो। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो ऑब्वियसली पेड थी। इसके अलावा अगर आप आर्किटेक्चर वगैरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है गोल्ड सूक। वैसे गोल्ड सूक तो क्या बल्कि कोई भी मार्केट है, वो सारी ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आपने जस्ट देखना है। बट यहाँ पे जो है ना मैंने गोल्ड सूक इसलिए मेंशन किया क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें थी और मतलब देखना ही उनको बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है। इसके अलावा जब आप गोल्ड सूक जा रहे हैं तो आप 1 दिरहम बोट राइड ज़रूर लें। वहाँ पे ना एक खुद ही मतलब टिपिकल जो पुरानी बोट्स होती है वैसे थी, जो 1 दिरहम आबरा थी, और वहाँ पे ना काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था उसका भी। इसके अलावा जो है दुबई क्रीक हार्बर है जो कि बिल्कुल नई अट्रैक्शन है, मैं गई नहीं हूँ बट मैंने सुना है ये अट्रैक्शन भी काफ़ी सुंदर है। एंड दैट्स इट फॉर द
video. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye. See you in the next video.